सर ये आज आपने बहुत बड़ा ये प्रोग्राम किया है और बहुत तादाद के अंदर लोग आ रहे हैं, रेलवे कर्मचारी आ रहे हैं, रेलवे कर्मचारी नहीं बहुत तादाद के अंदर आवाम यहाँ आ रही है, वो खाना ले रही है। एक तरफ सर खुशी का माहौल है कि आज बाबा साहब का 127वां जन्मदिन है, और एक दुख का ये है कि जो 2 अप्रैल को भारत बनता उसको नाजायज तरीके से हमारे लोगों को मारा गया, तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए ये जो आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 127वां जन्मदिन है, और हर वर्ष की भांति इस बार भी पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जो भारत का संसद है उसमें जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो आदमकद कांस्य प्रतिमा लगी हुई है उस पर लाखों लोग जो हैं पूरे दिल्ली और आसपास के क्षेत्र से एकत्रित होते हैं उनको पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए, और इसी क्रम में बहुत सारे लाखों लोग एकत्रित हुए। और हमारी ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन पिछले 30 साल से इस तरीके के आयोजन कर रही है कि पंडाल लगा करके लोगों को भोजन डिस्ट्रीब्यूट करती है, पानी देती है, लेकिन आज कुछ ऐसा गमगीन माहौल हो रहा है तो हमारे एसोसिएशन के साथियों के साथ में, क्योंकि गत दिन जो 2 तारीख को भारत बंद हुआ था उसमें हमारे कुछ बच्चे जो नाजायज तरीके से निर्दोष बच्चों को मार दिया गया, और उन मार दिए जो बच्चे परिनिर्माण को प्राप्त हुए हैं उनको भी आज हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 127वें जन्मदिन पर एक तरफ तो हमें बहुत खुशी है कि एक ऐसा मसीहा हम लोगों को मिला जिन्होंने हमें सम्मान की ज़िंदगी जीने का मौका दिया, हमें बोलने का मौका दिया, हमें पढ़ने का मौका दिया, सरकारी नौकरी में आने का मौका दिया, लेकिन दूसरी तरफ हमारे भाइयों के जाने का हम लोगों को अफसोस है, उनको हम भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को याद करते हुए हम पूरे समाज को यही मैसेज देना चाहते हैं कि जिस तरीके से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संघर्ष का रास्ता हम लोगों को दिखाया है, और 2 तारीख को बिना किसी झंडे डंडे के और बिना किसी नेता के एक बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, आने वाले समय में भी अगर हमारे साथ हमारे समाज के साथ कोई बदतमीजी करने का प्रयास करेगा या हमारे संविधान को छेड़छाड़ करने का प्रयास करेगा या जो हमारा एट्रोसिटी एक्ट बदला गया उसको पुनः वापस नहीं लाया जाएगा तो एक बहुत बड़ा संघर्ष जब चालू होगा तो उसमें ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन पूरी भूमिका निभाएगी और तन मन धन से काम करेगी। अशोक जी आपने बताया कि जो एट्रोसिटी का जो मैटर था और जो इसको वापस नहीं लिया गया तो हम 2 रुपये आ जाएंगे सड़क पर आ जाएंगे, सर क्या रेलवे के अंदर भी ऐसा एट्रोसिटी होती है? रेलवे डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी, क्या आप इतने बड़े फेडरेशन का नेतृत्व कर रहे हैं, क्या आपके पास ऐसे कोई कंप्लेन है कि किसी अधिकारी को सताया जाता है? देखिए ऐसा है, हमारे जो ऑल इंडिया SC ST रेलवे एम्प्लॉई एसोसिएशन है उसमें लगभग 3.5 लाख कर्मचारी काम करते हैं, अधिकारी काम करते हैं, और उनमें से बहुत सारे अधिकारी जो सामान्य वर्ग के अधिकारी हैं उनसे प्रताड़ित होते हैं, उनसे बेइज्जत होते हैं, और कुछ केस हमारे संज्ञान में जो आते हैं उनको हम रेलवे के प्रशासन को हम उनको सामने रखते हैं और उनका निराकरण भी कराते हैं, और कई केसों में तो सजा भी दिलवाई है हम लोगों ने, लेकिन जिन केसों में हमें जानकारी नहीं मिलती, लेकिन ये सत्य है कि जिस तरीके से बाहर एट्रोसिटी होती है रेलवे के अंदर भी बहुत सारे मतलब इस तरीके के कार्य होते हैं। सर देखा गया है कि जो रेलवे के अधिकारी हैं जो फोर्स लाते हैं, शायद आपके वहाँ खल्लासी का रूप दिया जाता है, वो अधिकतर उनके बीवियों की चापलूसी करने में, उनका चौकावासन करने में लग जाते हैं, क्या ये जब उनका अपॉइंटमेंट होता है ये लिखित में होता है क्या कि आपको इनके घर में काम करना होगा? देखिए ये तो एक अंग्रेज़ों के टाइम का चलाया हुआ नियम चला आ रहा है कि रेलवे के जो अधिकारी हैं डायरेक्टर लेवल के उनको एक अधिकार होता है कि वो बंगला खल्लासी के नाम से किसी भी आदमी को अपॉइंट कर सकते हैं, और बंगला खल्लासी का मतलब ही यही है कि रेल घर के कामकाज करेगा और फिर उसको 6 महीने के बाद में पक्का करने के बाद में नौकरी दे दी जाएगी। ये एक बैकडोर एंट्री है रेल के अंदर जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के बहुत सारे लोगों को वंचित रखा जाता है, सामान्य वर्ग के लोगों को ही बंगला खल्लासी बनाया जाता है और बाद में 6 महीने के बाद उनको पक्का कर दिया जाता है। ये भी हमारे साथ एक भेदभाव है, हम तो ये कहते हैं कि अगर बंगला खल्लासी भर्ती होते हैं तो उसमें भी हमें रिजर्वेशन मिलना चाहिए, उसमें भी रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। लेकिन सर अधिकतर जो आपका रेलवे डिपार्टमेंट है या रेलवे में तरह तरह के डिपार्टमेंट हैं उनको प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है कि जो चाहे वो एक रोड पे जो ईंट पत्थर जो डालने वाले होते हैं और ठेका दिया जाता है उनको, ठेके के कर्मचारी कम होते हैं लेकिन रेलवे वालों से काम ज़्यादा लिया जाता है। देखिए ऐसा है कि रेलवे का जितना भी कार्य है वो सारा आउटसोर्सेज होता चला जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि जो हमारा सबसे निचली पायदान पर खड़ा हुआ कर्मचारी था जिसको हम सफाई वाला कहते हैं, जिसमें अधिकतर लोग अनुसूचित जाति जनजाति के लोग भर्ती होते थे और जो सरकारी नौकरी मिलती थी वो पूरा काम सफाई का काम आउटसोर्सिंग कर दिया गया है और ठेके पे दे दिया गया है,
और ठेकेदार द्वारा जो ठेका मिलता है रेलवे के द्वारा, वो हमारे भाइयों को ही अपॉइंट करता है, और जो एग्रीमेंट होता है उतनी तनख्वाह नहीं दी जाती, उससे कम पैसे दे करके उससे कई जगह काम कराया जाता है, वो भी एक शोषण का तरीका है। अशोक जी, मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, आपको थोड़ा बदला लगेगा। सर, आज देश को आज़ाद हुए 70 साल हो गए हैं, चाहे आप रेलवे के अंदर अधिकारी हो जाएं, या विधायक बन जाएं, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएं, या महामहिम तक आप बन चुके हैं, लेकिन उनको दलित की उपमा दी जाती है, दलित राष्ट्रपति, दलित अधिकारी, दलित विधायक, या आज भी वही रणनीति चली आ रही है जाति सूचक शब्द बोलकर। देखिए, यही तो एक सामाजिक आरक्षण देने का जो मतलब था वो यही था कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब संविधान सभा में संविधान सौंपा था तो उन्होंने कहा था कि आज राजनीतिक रूप से हम एक होने जा रहे हैं, लेकिन सामाजिक रूप से हम लोग अभी बहुत पिछड़े हुए हैं। यानी कि हम कितने भी बड़े अधिकारी हो जाएं, चाहे हम राष्ट्रपति महामहिम के पद पर भी बैठ जाएं, तब भी हमें दलित नाम से संबोधित किया जाता है, और जब तक ये नाम हमारे पीछे लगा रहेगा तब तक ये आरक्षण का लाभ, आरक्षण का जो अधिकार है वो हम लोगों को मिलता रहेगा। धन्यवाद सर।